आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पूरे देश के लिए आगरा एक नजीर बन गया। आगरा मॉडल ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अपनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जब आगरा मॉडल की तारीफ की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर पर यह जानकारी साझा की गई। यहाँ पर देश भर में सबसे पहले हॉटस्पॉट 6 अप्रैल को बनाए गए थे। 22 स्थानों पर हॉटस्पॉट जोन बनाए गए थे। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की प्रेस वार्ता में आगरा मॉडल की जमकर तारीफ हुई। अभी तक जो रणनीति पुलिस प्रशासन ने अपनाई है उसे प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आगरा ऐसे बना रोल मॉडल। नगर निगम में कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया। सेहत की जाँच आगरा लॉकडाउन मॉनिटरिंग ऐप चेक ग्रोसरी ऐप लॉन्च किए गए। टेलीमेडिसिन की सुविधा भी शुरू की गई। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की सुविधा। ई कॉमर्स पर फोकस। आवश्यक सेवाओं में दिक्कत ना हो इसके लिए मैनुअल पास जारी किए गए। 3 अप्रैल से ई पास जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। कम्युनिटी किचन शुरू। जन सहयोग से 50,000 से अधिक खाने के पैकेट का डेली वितरण। दवाओं की होम डिलीवरी की सुविधा। IME की मदद से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास। डॉक्टर्स को क्वारंटीन करने की व्यवस्था। सैनिटाइजेशन फॉगिंग और एंटी लार्वा का डेली छिड़काव। बेजुबानों के लिए खाना और पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था करने के साथ ही पक्षियों को भी दाना पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। आगरा मॉडल की तारीफ मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी की गई है। आगरा के हॉटस्पॉट मॉडल को उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे देश में अपनाया गया है। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा। देश भर के जिन 10 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले सबसे अधिक आए हैं उनमें यूपी भी शामिल है। यहां प्रति 10 लाख लोगों पर टेस्टिंग की संख्या भी बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। बावजूद इसके यूपी के आगरा जिले की तारीफ WHO से लेकर दिल्ली से लखनऊ तक हो रही है। यहां अभी तक 142 केस हैं, लेकिन आगरा के कलेक्टर और पुलिस कप्तान की यूं ही तारीफ नहीं हो रही है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगरा मॉडल की तारीफ की गई। इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी अमल में लाने का सुझाव दिया गया। जिन क्लस्टर में कोरोना संक्रमण ज्यादा पाए गए हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने प्लान तैयार किया था। आगरा ने उसी प्लान को अपनाया और उन्हें अच्छी सफलता मिली। केंद्र सरकार का दावा है कि आगरा देश का पहला क्लस्टर है जहां इस प्लान को लागू किया गया है। आगरा जनपद में कोरोना का पहला मामला 2 मार्च को सामने आया था। यहां विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है जिसके चलते यहां विदेशी पर्यटक आते हैं। पहला मामला सैलानियों के एक ग्रुप के साथ ही यहां पहुंचा था जिसका टेस्ट जयपुर में हो चुका था। पूरे ग्रुप में तकरीबन 19 लोग शामिल थे। रिपोर्ट में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई थी। उसके बाद चुनौती थी कि ग्रुप के अन्य सदस्य जहां गए और जिन लोगों के संपर्क में आए उनको ढूंढना और उनका इलाज करना। इसके बाद 2 मार्च को ही पता चला कि 2 निवासी इटली से लौटे हैं और उनको संक्रमण है। फिर परिवार के 5 अन्य लोगों का टेस्ट कराया गया, वो भी पॉजिटिव पाए गए। एक ही दिन में आगरा में 19 विदेशी और 7 आगरा के लोगों में संक्रमण का मामला सामने आ गया, जो बहुत बड़ा चैलेंज था। जनपद आगरा में टोटल COVID-19 पेशेंट की संख्या अब 138 है। इस 138 में टोटल लाइव पेशेंट 124 है। जब जनपद में सबसे पहला कोविड के केस आए थे, हमारे 2 आगरा के व्यापारी इटली गए थे, वहां से लौट के आए थे। उनके साथ उनके 3 फैमिली मेंबर और उनके एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट उनके अकाउंटेंट, एक साथ 7 लोग इफेक्ट हुए थे। कंट्री का शायद वो पहला क्लस्टर था। इसके अलावा चूंकि ताजनगरी है, बाहर के टूरिस्ट बहुत आ रहे थे। इटली का एक ग्रुप जिसने 20 स्टार्ट किया था जयपुर से, जयपुर में एक पॉजिटिव आया था और 1 मार्च को 19 हमारे यहाँ एक होटल में रुका था। तब से जनपद की संस्कृति काफी बढ़ गई थी। हमें तत्काल भारत सरकार एवं राज्य सरकार का एक सपोर्ट मिला। भारत सरकार ने अपनी टीम भेजी, राज्य सरकार ने अपनी टीम भेजी, WHO की टीम के साथ, IMA को साथ लेकर के हमारे स्वास्थ्य विभाग ने एक प्लान पे काम करना शुरू किया और हम उसको अपने को इम्प्रूव करते गए। जिला प्रशासन ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए केंद्र, WHO और राज्य स्तर की टीमों के साथ मिलकर काम किया। सबसे पहले होटल को क्वारंटीन किया गया। होटल के स्टाफ को भी निगरानी में रखा गया। पूरे इलाके को 3 जोन में बांटा गया। यहीं से शुरुआत हुई आगरा मॉडल की। केंद्र सरकार के प्लान के तहत पूरे क्लस्टर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। आगरा में भी वही किया गया। अभी आगरा स्तर पे जो हम काम कर रहे हैं, यह
उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितना सपोर्ट किया, उसके आधार पर एक हमारा सबसे बड़ा बफर जोन है जो कि एपी सेंटर से 5 किलोमीटर के एरिए का है, उसका सर्वेलेंस किया गया था। उसके अंदर हमने हमारा जो एपी सेंटर है खासकर 3 किलोमीटर एरिया का शुरू में उस पर काम किया गया था। फर्स्ट एपी सेंटर हुआ था तो हम लोगों ने 2,24,000 लोगों को ट्रैक किया था डोर टू डोर जा करके। उसमें जो ओवरसीज हिस्ट्री थे जिनको सर्दी खांसी जुकाम या सांस लेने की तकलीफ थी उसको अलग से हमने करके उनकी सैंपलिंग कराई थी। उसके बाद अब जब ये ग्रुप आया और कुछ केसेस बढ़ने लगे, इस एपी सेंटर के भी अंदर हमने एक हॉटस्पॉट जोन बनाया है। अगर उनका घर बड़ा होता है और आसपास उनके लगता है कि आसपास उन्होंने स्प्रेड नहीं किया होगा, उस घर को हम लोग लॉक कर लेते हैं और 24/7 वहाँ पर गार्ड लगाई जाती है, मजिस्ट्रेट्स वहाँ तैनात होते हैं। बट अगर लगता है कि एक ही घर में संख्या बहुत है लोगों की, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं पालन कर सकते हैं, उन सबको हम लोग 100% इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में लेकर रख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। हर क्वारंटीन वाले प्लेसेज में अलग से मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ पे हमारे जो SSP साहब है बबलू कुमार, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा अपने को बहुत अच्छा लीड लेके इस पे काम कर रहे हैं। नंबर एक बफर जोन, इसके तहत 5 किलोमीटर को बफर जोन मानकर वहाँ कोरोना संक्रमण से निपटने की पूरी तैयारी थी। नंबर दो कंटेनमेंट जोन, बफर जोन के भीतर के 3 किलोमीटर के दायरे में एपिसेंटर या फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किया। नंबर तीन हॉटस्पॉट, अंत में कंटेनमेंट जोन के अंदर आने वाले पॉजिटिव मरीज के घर, गली और नजदीकी रिश्तेदारों के इलाकों को हॉटस्पॉट मानकर सील किया गया। आगरा में 39 स्थान को चिन्हित कर पूरी तरह सील किया गया है। डोर टू डोर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और बाकी लोगों तक सुविधाओं को पहुँचाने के लिए व्यवस्था की गयी। 1248 टीमों का गठन किया गया, कुल 9,30,000 लोगों का सर्वे भी हुआ। 1.6 लाख घरों की स्क्रीनिंग की गई, तकरीबन 2500 लोगों के सैंपल भी लिए गए। लॉकडाउन के बाद समस्त परिवार को डोर टू डोर उनको जो जरूरत के सामान है उसको मुहैया कराना सबसे बड़ा एक चैलेंज था। इसमें जो हमारा स्मार्ट सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो ऑलरेडी तैयार था उसको ठीक से उपयोग किया गया, उनमें समस्त लाइनों को वहां शिफ्ट कर दिया गया। वहां हमको एक वार रूम में डेवलप करके 24/7 ड्यूटी लगाई गई। जो हमारे नूडल्स थे उन नूडल्स को बहुत अच्छे से डेडिकेटेड टीम कमिटेड टीम को तैयार किया गया। इसमें जो हमारे ड्रग्स के जो प्राइवेट के ग्रुप्स थे उनको भी इन्वॉल्व किया गया, जो व्यापार संघ के ग्रुप थे उनको इन्वॉल्व किया गया। हम इंश्योर किया गया कि हमारा सप्लाई चेन फ्रॉम बल्क से टू हाउस होल्ड तक पहुंचे। एक बहुत ही रोबस्ट हमारा अपना हेल्पलाइन नंबर, उस नंबर्स के जितने जितने नोडल ऑफिसर्स थे उनकी एक सूची बनाई गई, इसको वाइडली सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से। अलग से हम लोगों ने सिर्फ जनपद आगरा के लिए 1,00,000 पंपलेट भी बना के छपवाया, कोशिश किया कि सर घर घर पहुंच जाए। इसके अलावा भी सारे म्यूनिसिपल्स में रिक्वेस्ट किया गया इस नंबर को वाइडली सर्कुलेट किया जाए। इस नंबर्स को हम लोग डेली ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रेशर कहाँ है। जैसे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था आटे की किल्लत थी, 2 दिन रही, बट उस पर ठीक से प्रयास किया गया, इस किल्लत को दूर किया गया। जैसे जैसे कैटेगरी होती है उस कैटेगरी वाइज हम इस पर काम करते हैं, अपने को इम्प्रूव करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लोगों को राशन, लोगों की सब्जी, लोगों के दूध, लोगों की दवा उनके डोस्ट पर पहुंचे। जिला प्रशासन ने स्मार्ट सिटी में कमांड कंट्रोल रूम को COVID-19 वॉर रूम में तब्दील किया और सभी मरीजों की निगरानी यहीं से शुरू की। प्रशासन ने अन्य बहुत सी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया। आगरा मॉडल की सराहना, WHO से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक धमक, जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की हो रही है तारीफ, केंद्र सरकार ने आगरा मॉडल को माना नजीर। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आगरा पुलिस दिन रात एक किए हुए है। पुलिस के अधिकारी कोरोना वायरस से फैलने वाली गंभीर बीमारी से बचने के लिए शहर में भ्रमण कर जनता को जागरूक कर रहे हैं। पुलिस और अधिकारियों की जनता भी प्रशंसा कर रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस और अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधिकारी गली मोहल्लों सड़कों पर पहुंचकर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, जिससे इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। ASP सौरभ दीक्षित शाम पैदल और वाहनों से मार्च कर जनता से घरों में बने रहने का आह्वान करते चले आ रहे हैं। इसका असर अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। अगर आपने आज साथ दे दिया तो बहुत बड़ी विजय एक हम लोग पाने वाले हैं। आपको पता है आगरा में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब ग्राफ बिल्कुल उठते ही चले जाना है, तो अगर अभी हमने थोड़ी सी ढिलाई कर दी तो बहुत बड़े नुकसान में चला जाएगा पूरा आगरा शहर। कुछ हमारे क्षेत्र में ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग जो है लॉकडाउन का उल्लंघन काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में बाहर निकल के कर देते हैं,
वो मोस्टली अपने ज़रूरत का सामान लेने बाहर निकलते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर भी PAC का बल लगाया गया है। गली मोहल्लों सड़कों पर अधिकारियों के मार्च करने के साथ शहर भर के चौराहों पर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आने जाने वालों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ा रहे हैं। राहगीरों का कहना है कि लॉकडाउन में चौराहों पर तैनात पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, जनता को घरों में रहने की अपील कर रही है, ये एक सराहनीय कार्य है। ये काम इनका बहुत ही प्रशंसाजनक है, जो कि क्या कहते हैं ये यहाँ पे ये सब पुलिस अधिकारी जितने भी सब यहाँ पे स्टाफ हैं सब यहाँ पे क्या कहते हैं अपना मन लगा के और ध्यानपूर्वक अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से ये काम कर रहे हैं, उसका मैं शहरवासियों की तरफ से इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए क्या कहते हैं जो बहुत से अनजान आदमी हैं जो कि क्या कहते हैं घूमने फिरने के हिसाब से निकल जाते हैं, वो गलत बात है इनके लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए ये लॉकडाउन जो है एक उनको ये समझना चाहिए कि बाहर निकलेंगे तो कोरोना जैसी बीमारी उनको लग जाएगी। लॉकडाउन के बाद शहर देहात में बैरियर लगाकर आने जाने वालों को रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है। पुलिसकर्मी हर व्यक्ति को इस संकट की घड़ी में घर के अंदर रहने की अपील कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में रहना ही बहुत जरूरी है। पुलिस के इस तरह के कार्य की राहगीर प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। मैं अभी बैंक से आ रहा हूँ, IDBI बैंक से। लॉकडाउन है इसमें, हाँ, तो पुलिस का जो कार्य चल रहा है जागरूक कर रहे हैं? हाँ, नहीं अच्छा कैसा कार्य चल रहा है? नहीं अच्छा कार्य है, और जरूरी है इस समय तो, सभी लोग अवेयर है वैसे तो, पर पुलिस का तो और बढ़िया काम है, वो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं लोगों को। इस तरह की जो जागरूकता जो हो रही है उससे असर पड़ा है कुछ? असर तो पड़ेगा ही, निश्चित ही है। तो शुरुआत में जनता पालन नहीं करती? हाँ नहीं, अब तो कुछ जनता भी सोचने लगी है कि भाई कोरोना कुछ है। पहले जनता नहीं समझ रही थी कोरोना क्या है, वैसे ही बंद करा जा रहा है, हम पागल हैं, पर अब अवेयरनेस डेवलप हो गई ना, कुछ चैनलों के द्वारा, कुछ पेपर के द्वारा, कुछ सरकार का तो प्रयास है ही। मैम, राहगीरों का कहना है कि चौराहों पर तैनात पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, अधिकारी और पुलिस के आदेशों का पालन करना चाहिए जिससे इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। घरों में रहने से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। भगवानटों की चौराहे पर गुजर रहे इस राहगीर का कहना है कि पुलिस जिस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रही है वो सराहनीय कार्य है। बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब बिलीव नहीं होता बिल्कुल। जब भी हम तो डेली आते जाते हैं SN है, पूरे रास्ते में हर चौकी पे हर जगह पुलिस पूछती है, और इतनी धूप में काम कर रही है, बहुत अप्रिशिएबल काम है। किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए जो ये लोग निकलते हैं? नहीं, जो लोग निकल रहे हैं उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि किस खाई या कुएं में कूद रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, केवल तभी घर से निकलें कोई इमरजेंसी हो तो, वरना सब चीज। आप डॉक्टर हैं तो क्या जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही, अपने घर में रहिए, और इसका बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है, अपने घर में रहिए बस। बाकी हमारे पास सोर्सेज इतने सीमित हैं कि अगर फैल जाएगा तो कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल है। महिला चिकित्सक का कहना है कि कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए लोगों को घरों में रहना चाहिए, अगर जनता घर में रहेगी तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, बाहर निकलने पर इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। महिला चिकित्सक ने दिन रात सड़क पर ड्यूटी दे रही पुलिस के कार्य की प्रशंसा की, साथ ही लॉकडाउन में जनता को घरों में रहने के लिए अपील भी कर रही है, लोगों को पुलिस और अधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उमेश शर्मा, CNews, आगरा। दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आगरा मॉडल को रोल मॉडल बताते हुए पूरे देश को इसे फॉलो करने के लिए कहा है, जिसको लेकर ताजनगरी के जनप्रतिनिधियों और शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी शहर के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ शासन प्रशासन के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की तारीफ की है, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों में लागू करने की पहल की है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आगरा मॉडल की प्रशंसा केंद्र सरकार ने की है। इसके पीछे दो वजह है, एक तो यहां 10 मरीज संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, इनमें से 3 का उपचार यहीं सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में हुआ है।
दूसरा हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए इलाके में संक्रमण का सफाया कर दिया गया। देश में सबसे पहले हॉटस्पॉट चिन्हित कर उन्हें सील करने का काम भी आगरा में ही हुआ। हालांकि अभी भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन गनीमत यह है कि संक्रमित मिलने वाले वही लोग हैं जो पहले से क्वारंटीन में हैं। इस दौरान महापौर नवीन जैन और IMA सदस्य डॉक्टर शिव शर्मा ने शासन प्रशासन के साथ साथ डॉक्टर से पैरामेडिकल स्टाफ के काम की तारीफ की है। देखिए, नगर निगम के द्वारा जो हमारे 5000 गली मोहल्लों का जो शहर है और 25 लाख की आबादी है इस शहर की, 12,50,000 वोटर्स हैं और 3,20,000 से अधिक इस महानगर में मकान है, उन सभी मकानों में धीमे धीमे करके क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम फोगिंग का कार्य, सैनिटाइज कराने का कार्य और कराने के कारण में हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम की पूरी टीम 2 शिफ्टों में ये काम कर रही है। आगरा में शुरुआत में ही 6 मरीज आ गए थे और तब से लेके WHO, यूनिसेफ और जिला अधिकारी और ये पूरा प्रशासन पूरी ताकत से लग गया था, CMO की टीम से लेके सब कुछ लग गए थे और उस मॉडल को जो बनाया और जिस तरह से टीम में आगे वर्क हुआ, ऐसा ही वर्क हर जगह होना चाहिए। आज हमें ये डर लग रहा है कि केस ज़्यादा है, ये केस ज़्यादा उस तरह से नहीं है, केसों की सर्वेलेंस बहुत है, पूरी ताकत से जो पॉजिटिव है उनको निकाला जा रहा है। आगरा में आपकी जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग और टेस्टिंग जो हो रही है वो आगरा में हो रही है, दूर दूर से पकड़ के सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ छुप नहीं रही है। दूसरी जगह मैं ये नहीं कह रहा छुपी होगी, लेकिन ये हकीकत ज़रूर है कि यहाँ की जो स्क्रीनिंग है UP भर में सबसे ज़्यादा है, टेस्टिंग जो है PCR टेस्टिंग जो है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा नंबर पकड़े गए। मैं अभी भी बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि ये हम दूर नहीं कि हम 100% कंट्रोल करेंगे। और जो कहा है योगी जी ने कि एक भी अगर कोरोना केस रहा तब तक लॉकडाउन रहेगा, तो मेरा मानसिक रूप से ये बिल्कुल मानना है कि हम सबको पूर्ण रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए और हम वही फाइटर बनेगा जो कि लॉकडाउन का पालन करेगा। संक्रमण से मुक्त इलाके में खंडारी, कमलनगर, सार्थक अस्पताल, मोहनपुर, रावली, कृष्ण विहार, जीवनी मंडी शामिल हैं। यहां के मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इन इलाकों को पहले ही सील कर दिया गया है, अब सील हटाई जा रही है। हालांकि निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। अनिल, CNews, आगरा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लिए जिला प्रशासन ने आगरा मॉडल को तैयार कर कोरोना मरीजों को जनपद में सर्च किया और इन मरीजों को SN मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज कराया। कोरोना वायरस से जंग लड़ने में आगरा मॉडल को देश भर में सराहा जा रहा है। इस मॉडल को तैयार करने के लिए शहर के चिकित्सकों ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लिए जिला प्रशासन ने आगरा मॉडल को तैयार कर कोरोना मरीजों को जनपद में सर्च किया और इन मरीजों को SN मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज कराया। कोरोना वायरस से जंग लड़ने में आगरा मॉडल को देश भर में सराहा जा रहा है। इस मॉडल को तैयार करने के लिए शहर के चिकित्सकों ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की। कि जिस इंसान को प्रॉब्लम है या जिसको ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव आ चुका है या उसके संपर्क में जो लोग आ चुके हैं उनको क्वारंटीन में रखना बहुत ज़रूरी है, आइसोलेशन में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बीमारी और ज़्यादा स्प्रेड ना करे। क्योंकि ये बीमारी एक आदमी को होती है तो वो 3 लोगों को ये बीमारी फैल सकती है, 3 से 9, फिर 27, और इस तरह से अचानक ये कुछ ही दिनों में ये बीमारी सैकड़ों लोगों को अपने जाल में ले सकती है एक बंदे की वजह से। तो सभी लोगों का जो अगर सहयोग मिलेगा तो ये हमारा जो आगरा मॉडल है पूरा देश अपनाएगा और हमारे देश में इस तरह की बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आगरा मॉडल की जैसी जो प्रशंसा हो रही है, आगरा मॉडल में जैसे एक कंट्रोल रूम बनाया गया, सभी जो सेवाएं हैं उनको एक छत के नीचे लाया गया, एक मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बना, इससे जो एक तालमेल की कमी पहले रहती थी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर, उस कमी को दूर करा गया। इसके द्वारा जो भी सेवाएं थीं, जैसे कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हुई, पुलिस का नियंत्रण हुआ, निगरानी हुई या सफाई से संबंधित सेवाएं हुई, इन सभी का जो तालमेल बिठाया गया, इसके द्वारा इस महामारी को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली, इसके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है।
कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन ने जिस तरह से आगरा मॉडल तैयार किया, इसको लेकर आईएमए आगरा के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा, भले ही ताजनगरी में प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हों, लेकिन जिस तरह से जिलाधिकारी ने नगर निगम में कोविड 19 सेंटर बनाकर पूरे जनपद में कोरोना मरीजों को सर्च कर इलाज कराया, वो काबिल तारीफ है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा शासन प्रशासन, खासतौर से डीएम साहब और एसएसपी साहब, दोनों की बधाई के पात्र हैं कि जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया। इसमें कंट्रोल करने में दो बातें बड़ी मेन रही कि इसमें उन्होंने लोगों को अवेयर भी किया और साथ साथ में लोगों को कंपेरेटिवली उतनी परेशानी भी नहीं होनी थी जिस तरह से उन्होंने चीज़ को मैनेज किया। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने आगरा मॉडल को जिस विषम परिस्थिति में तैयार किया है, इसको लेकर ताजनगरी के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी एन टंडन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आगरा को सर्वप्रथम एक क्लस्टर के रूप में संक्रामक रोगी मिले और आगरा ने, चूंकि एक ये ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे विश्व में ना तो शासनिक, ना प्रशासनिक, ना वैज्ञानिकों को अनुभव था इससे निपटाने का, और अपने विवेक से विशेषज्ञों ने, शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, चिकित्सकों ने, स्वास्थ्यकर्मियों ने इससे निपटने की एक समन्वित प्रयास किया और आगरा मॉडल पूरे राष्ट्र में प्रचारित हुआ है। ये एक रोचक तथ्य है कि आगरा में लगातार संक्रामक जो रोगी हैं इस बीमारी के, उनका संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके राष्ट्रीय स्तर पर एक इसको पहचान मिली है, एक प्रशंसा मिली है। कारण है कि तुरंत उन जो रोगी थे उनको आइसोलेट किया गया, उनकी पहचान की गई, तुरंत उनकी जांच की गई और उनको अलग ले जाकर इलाज करने की व्यवस्था की गई। आगरा मॉडल में जिलाधिकारी ने जनपद के कई स्थानों में क्वारंटीन वार्ड बनाए, वहीं जो चिकित्सक कोरोना मरीज का इलाज कर रहे हैं उनके लिए भी क्वारंटीन की व्यवस्था की गई। अजय बहादुर, सी न्यूज आगरा। आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।